नमस्कार दोस्तों, राजस्थान फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के जीके में आपका स्वागत है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंदिरा गांधी नहर का जीरो पॉइंट निम्न में से किस स्थान पर है? ठीक है, देखिए इंदिरा गांधी नहर है ये विश्व की सबसे लंबी नहर है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर मैप की बात करूँ तो राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिम एरिया है, मतलब जो मरुस्थली एरिया है, वहाँ पर मोस्टली ये नहर चलती है। इसकी वजह से यहाँ पे देखिए पानी की कमी है, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पे पानी की अधिकता हो गई और धीरे धीरे यहाँ पर अगर स्पेसिफाई बात करूँ तो गंगानगर और हनुमानगढ़ यहाँ पे तो फसल बहुत अच्छी है। और किसकी वजह से? वो इंदिरा गांधी नहर की वजह से। इसका पुराना नाम क्या था? राजस्थान नहर था। और इसका जो जीरो पॉइंट है यह है मोहनगढ़। राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति किसके समान है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसकी जो शेप है वो किसके समान है? तो जो उसकी शेप है यह घोड़े के नाल के समान। ठीक है, चित्तौड़गढ़ का किला है उसको अपन प्राचीन किलों का सिरमौर भी कहते हैं, या मेसा के पठार। और ये मेसा के पठार पर स्थित है। दूसरी बात, जैसे अपन अलग अलग किलों की बात करें, जैसे रणथंभौर का किला है, इसको विषम आकार के साथ पहाड़ियों से घिरा है। तो इसी तरह अलग अलग जो दुर्ग हैं उनको अलग अलग नाम दिए गए हैं और उनकी आकृति भी अलग अलग है। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? देखिए अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया 1199 ईस्वी में। उससे पहले यहाँ पे क्या था? संस्कृत महाविद्यालय था और उसको तोड़ के उन्होंने यहाँ पे 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं। देखिए पिछवाई कलाकृति क्या होती है? ये होती है भगवान कृष्ण जी के जीवन से। ठीक है, इसमें भगवान कृष्ण जी के जीवन है उसको चित्रित किया जाता है, जो राजस्थान के नाथ द्वारा शैली है उसके अंतर्गत इसके चित्र बने हैं। इसके अलावा जो पिछवाई कला है, इसका जो स्वर्ण काल था ये था महाराणा राज सिंह के समय। कलाकार कौन कौन थे? नारायण चतुर्भुज, उदय घाशीराम, कमला इलायची, इसकी एक महिला कलाकार भी थी। नेक्स्ट, श्रीमती वसुंधरा राजे पहली बार कब मुख्यमंत्री थी? तो श्रीमती वसुंधरा राजे सबसे पहली बार 2003-08 में मुख्यमंत्री बनी थी और उसके बाद में 2014 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट, संत दादू व उसके शिष्यों की रचनाएं किस भाषा में लिखी गई हैं? देखिए संत दादू, इसको अपन राजस्थान का कबीर भी बोलते हैं, या फिर राजस्थान में भक्ति आंदोलन के जनक कहते हैं। फतेहपुर सीकरी में भगवंत दास ने संत दादू को अकबर से मिलवाया था। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा का विरोध किया। दादूपंथ की स्थापना हुई थी सांबर में 1574 में। ये लोग शव को ना तो गाड़ते थे ना ही दफनाते थे, बल्कि खुले में पक्षियों के लिए छोड़ देते थे। इनका जो समाधि स्थल है उसको दादूखोल बोलते हैं। और इन्होंने ढूंढाड़ी भाषा, अभी रिसेंटली अगर अपन बात करें तो ये जो प्रयोगशाला साहिक है उसमें भी क्वेश्चन आया है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और इनके जो उपदेश हैं उनका संकलन है वो दादू दयाल रिवाणी, दादू दयाल रा दोहा। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन थे? सीपी जोशी, वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट, संयुक्त राजस्थान में कौन सी रियासत नहीं थी? देखिए राजस्थान का जो गठन है, ये राजस्थान का जो एकीकरण है वो 7 चरणों में हुआ था। पहला मत्स्य संघ, दूसरा पूर्व राजस्थान और तीसरा था संयुक्त राजस्थान। ये था 18 अप्रैल 1948। इसमें पूर्व राजस्थान प्लस उदयपुर इनको मिला के बनाया था। उद्घाटन इसका जवाहरलाल नेहरू ने किया था। प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा उदयपुर के, राज प्रमुख थे भोपाल सिंह और राजधानी भी इसकी उदयपुर बनाई गई थी। पद्मश्री से अलंकृत जयपुर के डॉक्टर प्रमोद करण सेठी ने किसका निर्माण किया है? देखिए इन्होंने बनावटी पैर का, देखिए इनको पी के सेठी नाम से प्रसिद्ध थे। और जयपुर फुट इन्होंने 1969 में कृत्रिम पैर बनाया था। इनको रेमन मैग्सेसे, पद्मश्री आदि कई अवार्ड मिल चुके हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में पुरुष जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 51.86%। राजस्थान में तमाशा परंपरा कहाँ की प्रसिद्ध है?
तो राजस्थान में जयपुर की जो तमाशा परंपरा है वो प्रसिद्ध है। तमाशा क्या है, ये सवाई प्रताप सिंह के समय शुरू हुआ था, वैसे तो मूल रूप इनका महाराष्ट्र का है। बंशीधर भट्ट इस शैली का जन्मदाता है। जयपुर की स्त्री पात्रों की भूमिका स्त्री निभाती है। देखिए इसमें जो स्त्री पात्र हैं उनकी जो भूमिका स्त्री निभाती है, और गोपी जी भट्ट हैं इसके वो प्रमुख कलाकार थे। भीलवाड़ा जिले के श्रीलाल जोशी ने किस कला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है? देखिए इन्होंने फड़ चित्रकला को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी है। पार्वती जोशी, देश की पहली महिला फड़ चित्री है। देखिए फड़ क्या होती है, किसी भी मतलब लोक देवता है उसकी सारी जीवनी एक कपड़े के ऊपर रखते हैं, उसको फड़ बोलते हैं। देवनारायण जी की फड़ है वो सबसे लंबी फड़ है, और इसको जंतर वाद्य यंत्र के साथ गुज्जर भोपे हैं वो इसको बांसते हैं, मतलब इसको गाते हैं। 1992 में देवनारायण जी की फड़ पर डाक टिकट जारी की गई थी। इसके अलावा पाबू जी की फड़ सबसे लोकप्रिय सबसे चौड़ी फड़ है, और इसके जो नायक हैं वो रावणत्था के साथ इसको बांसते हैं। रामदेव जी की फड़ है वो कामड़ जाति के भूमि बांसते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा नृत्य व्यावसायिक नृत्य नहीं है? व्यावसायिक नृत्य कौन सा होता है जिसे मतलब अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए किया जाता है? राइट आंसर डी, घुड़ला नहीं है। अब देखिए बवाई नृत्य, ये मेवाड़ में किया जाता है। तेरह ताले नृत्य पादरला पाली, इस नृत्य का मूल स्थान है। और उसके अलावा अगर जैसे राइट आंसर इज डी। जैसलमेर जिले में किस प्रकार की जलवायु है? देखिए जो कोपेन का अपन जलवायु वर्गीकरण पढ़ते हैं तो कोपेन ने चार तरह का बताया था, PWH, BSH, BWHW, CWG, एक ही चीज़ है दोनों ये, और उसके अलावा AW। ठीक है, BWHW या BWH है इसमें कौन सा है? देखिए ये जो क्षेत्र है राजस्थान का, जो अपन अरावली से इधर का जो क्षेत्र मानते हैं, इसको उन्होंने रखा BWHW। और ख़ासकर इसके अंतर्गत भी जो राजस्थान का मरुस्थलीय क्षेत्र है उसको इसके अंतर्गत रखा है। दूसरा BSH में कौन सा रखा है? BSH में जो अर्ध मरुस्थल का क्षेत्र है उसको रखा है। उसके अलावा CWG में इन्होंने ये जो पूर्वी राजस्थान है ये क्षेत्र है, और AW में जो बारिश वाला क्षेत्र है वो रखा है। तो राइट आंसर राजस्थान में कौन सी है? BWH। जिस क्षेत्र में नौटंकी सर्वाधिक लोकप्रिय है वह कौन सा है? भरतपुर की नौटंकी सबसे प्रसिद्ध है। वैसे नौटंकी मूल रूप से उत्तर प्रदेश की है। इसमें 9 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट काम में लिए जाते हैं, और कौन कौन से विषय होते हैं जैसे राजा हरिश्चंद्र की कथा, नल दंपति की कहानी, लैला मजनू की कहानी, और जो नौटंकी का जनक है मतलब इसका ओरिजिन किसने किया, भूरेलाल भरतपुर का है। अन्य कलाकार में मास्टर गिरिराज प्रसाद प्रसिद्ध हैं। राज्य के पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1956 को राज्य में कितने जिले थे? देखिए पुनर्गठन के बाद राज्य में 26 जिले थे। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? कंवर सेन, इंदिरा गांधी को अपन IGNPB कहते हैं, पद्म भूषण। ठीक है, और इसकी एक शाखा भी है कंवर सेन लिफ्ट, जिसका पानी बीकानेर को मिलता है। कानड़दे प्रबंध का रचयिता कौन है? देखिए कानड़दे प्रबंध का रचयिता है पद्मनाभ। इसमें जालौर के शासक कानड़दे और दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन के मध्य हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। निम्न में से किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की थी? AN घोष, अमलानंद घोष ने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी 1950-51 में, और इसका जो उत्खनन का कार्य है वो 1961 से 69 के मध्य BB लाल और BK थापर ने किया था। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है? देखिए अक्षांशीय विस्तार कौन सा होता है?
उत्तर और दक्षिण के बीच में ये जो एरिया है ये राजस्थान का अक्षांश विस्तार। तो राइट आंसर कौन सा होगा, 23 डिग्री 03 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट के मध्य। नेक्स्ट, तरुण राजस्थान समाचार के व्यवस्थापक कौन थे, जयनारायण व्यास। अलवर नगर के संस्थापक कौन थे, अलवर नगर के संस्थापक राव प्रताप सिंह। राजस्थान के जिलों में सर्वाधिक लिंगानुपात व न्यूनतम लिंगानुपात कितना है, 994 और 846। निम्न में से कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट है, देखिए गंगानगर है जो पाकिस्तानी सीमा के निकट है। राजस्थान के पाकिस्तान के साथ सीमा है 1070 किलोमीटर, जिसको अपन रेड क्लिफ रेखाएं बोलते हैं। और 4 जिले हैं, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर और गंगानगर ये मिलते हैं, जिनमें से जैसलमेर 464 किलोमीटर सीमा बनाता है, बाड़मेर 228 किलोमीटर, गंगानगर 210 किलोमीटर और बीकानेर 168 किलोमीटर सीमा बनाता है। राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा तो बहावलपुर की लगती है और न्यूनतम सीमा खैरपुर की लगती है। और रेडक्लिफ के नज़दीक जिला मुख्यालय गंगानगर और सबसे दूर जिला मुख्यालय बीकानेर। जैसलमेर व जोधपुर के मध्य स्थानीय समय में कितना अंतर दिखाई देता है, इट्स ए 30 मिनट। मिर्जा इस्माइल का संबंध है, इनका संबंध है जयपुर रियासत, ऑप्शन ए। भरतपुर को राज्य का 7वां संभाग बनाने की अधिसूचना कब जारी की गई, राइट आंसर इज ए 4 जून 2005। देखिए संभागीय व्यवस्था शुरू किसने की थी, हीरालाल शास्त्री ने 1949 में, और मोहनलाल सुखाड़िया ने 1962 में इसको समाप्त कर दिया। वापिस से हरदेव जोशी ने 15 जनवरी 1887 में इसको स्टार्ट किया था। 1987 में छठा संभाग अजमेर बनाया था। राज्य सरकार ने राजस्थान संस्कृत अकादमी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है, डॉक्टर जया दवे। हीरे जवाहरात व आभूषण निर्यात में अग्रणी है जयपुर। नेक्स्ट, मालवा प्रदेश किस नाम से प्रसिद्ध था, तो मालवा प्रदेश टोंग बूंदी, क्योंकि राजस्थान का जो दक्षिणी पश्चिम है, राजस्थान का दक्षिणी पश्चिम में जो स्थित है वो मालव जाति के नाम पड़ा था। ओके, थैंक यू दोस्तों।